तो गाइस सर, आज की वीडियो में हम लोग अपग्रेड होने वाले एक ह्यूमन से एक खतरनाक से शार्क में। एक शार्क बनना मेरा बचपन से सपना था, इसलिए मैं मदद मांगने वाला हूँ जो कि अभी लॉस सैंटोस की सबसे खतरनाक शार्क है। आप देख सकते हो ये एक शार्क है पर ह्यूमन की बॉडी में, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। शार्क सर प्लीज मेरी मदद करो ना, मुझे भी खतरनाक सा शार्क बनना है। बच्चे मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, पर तुझे बता दूं शार्क बनना इजी नहीं होता। शार्क बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या तू मेहनत करने के लिए तैयार है? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं शार्क बनने के लिए कुछ भी करूँगा। शार्क बनने के लिए तुम्हें धीरे धीरे अपग्रेड होना पड़ता है दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क के लिए। अगर तुम्हें पहली शार्क में अपग्रेड होना है तो तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा। आ जाओ। अरे काइजर ये क्या, ये तो पानी में कूद गया, मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा। चलो तो काइजर मुझे उस शार्क के बच्चे को पकड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा तेज स्विमिंग कर रहा है, और ये शार्क है तो मेरे से तेज स्विमिंग करेगा ही। रुक जा शार्क के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, इसको मुझे कैसे भी करके पकड़ना पड़ेगा। बच्चे अगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाए तो तुम जिंदगी में कभी शार्क नहीं बन पाओगे। नहीं, मैं इसको पकड़ के रहूंगा। भागो कहाँ भागेगा। रुक जा, मैं बस पहुँच गया। ये ले, पकड़ लिया। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने मुझे पकड़ लिया। अगर तुम 2 सेकंड लेट होते तो मैं जमीन पर आ जाता और तुम्हारा ये सब फेल हो जाता। पर मैंने तुमको पकड़ लिया, इसका मतलब मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। हाँ बच्चे, तुम अपग्रेड होने वाले हो सबसे पहली शार्क में। और गाइस आप देख सकते हो मैं बन चुका हूँ एक शार्क, मतलब आखिरकार मैं शार्क बनना शुरू हो चुका हूँ। आप देख सकते हो मेरे मुंह पे से शार्क आके बैठ गई है, क्योंकि यार 10% शरीर हमारा यहाँ पे शार्क का हो चुका है। बच्चे अगर तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क बनना है तो तुम्हें शार्क्स को खाना पड़ेगा। जितने ज्यादा शार्क्स खाओगे उतने ज्यादा तुम अपग्रेड होगे। तो जाओ बहुत सारी शार्क्स ढूंढो और अपग्रेड हो जाओ। थैंक यू अंकल। चलो कैसर फटाफट से चलते हैं, मुझे दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क बनने के लिए बहुत सारी शार्क खानी है, और शार्क खाने के लिए मुझे बहुत सारी शार्क ढूंढनी पड़ेगी। चलो फटाफट चलते हैं, बहुत सारी शार्क्स खाते हैं। तो कैसर अभी मैं आ चुका हूँ शार्क वाली मुंडी लेके शार्क ढूंढने। कैसर मुझे एक शार्क भी नहीं मिल रही, सारे की सारी नदियां मैंने चेक कर ली, सारे स्विमिंग पूल चेक कर लिए, मुझे शार्क मिली नहीं खाने के लिए। शार्कूस मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ शार्कूस। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे ये सब क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है? मैं अपनी शार्क बेबीज के लिए खाना लेके आया हूँ शार्कूस, आ जाओ। क्या शार्क्स के लिए खाना? अरे काइजर ये क्या, इस पॉन्ड में तो बहुत सारे शार्क्स है। अरे मैं इतनी देर से हर जगह ढूंढ रहा था, पर इस लड़के ने शार्क्स को पाल रखा है और उनका नाम भी रख रखा है शार्कू। रुको मेरे पास एक आइडिया है। अरे अंकल मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया? अरे आपको पता है क्या, बाहर वो वड़ा पाव वाला ना, वो फ्री में वड़ा पाव दे रहा है। क्या फ्री में वड़ा पाव? हाँ फ्री में वड़ा पाव। वैसे वो वड़ा पाव 100 रुपए का है, अभी वो फ्री में दे रहा है, जल्दी जाके लूट लो। क्या तुम मेरे शार्क्स का ध्यान रखोगे? आपके शार्क्स का? हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। मेरे लिए भी एक वड़ा पाव डाला। ओके, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आऊंगा। तो काइजर अभी मैंने उसको पागल बना दिया, उसको मैंने वड़ा पाव लेने भेज दिया, और काइजर जब तक वो वड़ा पाव लेगा जब तक मैं इसकी सारी की सारी शार्क खा जाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 3-3 शार्क दिख रही है। चलो फटाफट से चल के आज तो हम शार्क खाने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो पहले शार्क खाते हैं। नम 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 नम, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, अब दूसरे भी खा लेते हैं। अरे भैया मेरी बात सुनो। अरे कहाँ से आ गया? अरे भैया कीले कैसे हो गए? वो मैं गलती से पानी में गिर गया था इसलिए गीला हो गया। अरे तुम वापस कैसे आ गए? बर्गर नहीं मिला क्या? बर्गर? आपने तो वड़ा पाव बोला था ना। हाँ मेरा मतलब है वड़ा पाव। अरे आपको खुद को याद है आपने वड़ा पाव बोला था या फिर बर्गर? अरे वो मुझे याद है, वो वड़ा पाव बर्गर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरे तुम वापस क्यों आए हो? अरे मैं देख के आया, वहाँ पर तो कोई भी फ्री में वड़ा पाव नहीं दे रहा। क्या कोई नहीं दे रहा? अच्छा मेरी बात सुनो, जो बंटी पानी बताशे वाले ना उसके पास जाओ और उसको बोला तुमको फ्रैंकलिन ने भेजा है, वो तुमको फ्री में पानी बताशे खिलाएगा। क्या फ्री के पानी बताशे? ओके, मैं जाता हूँ बंटी पानी बताशे वाले के पास। बंटी तो कैसे अभी मैंने उसको पागल बना के वापस से भेज दिया। पिछली बार वाला प्लान तो हमारा फेल हो गया, जल्दी आ गया था। इसके आने से पहले मुझे इसकी सारी की सारी शार्क को खा लेना चाहिए। चलो फटाफट से चलते इसकी सारी की सारी शार्क खा लेते हैं। अरे भैया मेरी बात सुनो, 1 सेकंड, ये पानी में क्या कर रहे थे? अरे भैया पानी में क्या कर रहे थे? अरे तुम वापस कैसे आ गए? अरे भैया मैं तो पूछने आया था कि आपको पानी बताशे खाने की नहीं। हाँ मैं पानी बताशे खाऊंगा, लेके आना। रुक जाओ, मेरी सारे के सारे शार्क्स खा चली गई। मेरे पास पूरे की पूरी 3 शार्क थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही बची है। कहाँ गई मेरी शार्क? अरे मुझे क्या पता, वो शार्क तो तुम्हारी है ना। शार्को मेरी सारी
सारी शार्क्स खा चली गई। अरे कैसर, अभी ये लड़का अपने शार्क के पास जाके बैठ चुका है, अब मैं कैसे खाऊंगा इसके शार्क को? मेरा शार्क मीटर बस फुल होने वाला है, मुझे एक और शार्क खानी है, पर ये लड़का वहाँ पर बैठ गया, क्या करूँ? तो कैसर, मेरे पास और कोई भी प्लान नहीं है, मुझे इस लड़के को भी खाना पड़ेगा। मैं उस शार्क के साथ इस लड़के को भी खाने वाला हूँ, मैंने सोच लिया है। चलो फटाफट से पानी के अंदर चलते हैं और इस लड़के और शार्क दोनों को खा लेते हैं, उसके बाद हम होने वाले अपग्रेड। अरे ये लोग कहाँ गए? रुक जाओ, नीचे से चलेंगे चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा। इधर हम जाएंगे, सबसे पहले इस लड़के को खाएंगे। कितना गंदा टेस्ट था, इस शार्क को खा ले जल्दी से। तो गाइस आप देख सकते हो, इतने खतरनाक शार्क खाने के बाद मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। ये शार्क तो बहुत ही खतरनाक है, और मेरी पूंछ देखो कैसे लटक रही है, मैं तो बहुत ही खतरनाक हो चुका हूँ। पर गाइस ये शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क नहीं है, और मैं जब तक नहीं रुकने वाला, जब तक मैं दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क नहीं बन जाता। तो चलो फटाफट से चलते हैं, और भी बहुत सारी शार्क आते हैं। तो गाइस जब तक मैं बाकी की शार्क ढूंढता हूँ, आप फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम जाने वाले हैं बहुत सारी शार्क खाने। तो गाइस मुझे पता चला है, बीच पर रहते एक शार्क बाबा, जो कि लोगों की मदद करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क बनने के लिए। इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ सीधा शार्क बाबा के पास, मुझे उनकी मदद चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे अपग्रेड होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो जाऊँ। और आप देख सकते हो सामने मुझे शार्क बाबा मिल चुके हैं। शार्क बाबा मेरी मदद करो। बोलो बच्चे, क्या चाहिए? बाबा बाबा मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक शार्क बनना है, मेरी मदद करो ना। अच्छा बच्चे, तुम बनना चाहते हो दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क? मेरे पास है उसका इलाज। बताओ बताओ क्या इलाज है? तुम्हारे पास है 5 मिनट का टाइमर, 5 मिनट के टाइमर में तुम्हें 10 इंसानों को खाना पड़ेगा। अगर 10 इंसानों को खाते हो तो तुम अपग्रेड हो सकते हो। क्या सही में? अगर मैं 10 इंसानों को खाऊंगा तो मैं अपग्रेड हो जाऊंगा? हाँ बच्चे, तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट 40 सेकंड बचे। क्या? अरे मेरा टाइमर शुरू हो गया। अरे बता दो सॉरी, जल्दी कैसे चलते। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ सीधे 10 इंसान हमको खाने, और यहाँ पे सबसे पहले लड़की मिल चुकी है, इसको खा रहे थे। ये तो बहुत ही टेस्टी थी। तो गाइस ऐसे में 9 इंसान और खाने, जल्दी जल्दी चलते 9 इंसान। अरे दीदी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। इसको भी खा लूंगा, इसको भी खा लूंगा। 3 मैंने खा लिए, यहाँ पर एक और है, एक को खा दे। इसको भी खा लिया, 4 हो गए। इस सिक्योरिटी गार्ड को भी मैं खाने वाला हूँ, आ जा। तो गाइस मैंने 4 इंसानों को खा लिया, और यहाँ पे 2 और भाग रहे, इनको भी खा लेते 5। इधर इधर इनको भी खा लूंगा 6, और यहाँ पर एक और सिक्योरिटी गार्ड, इसको भी खाएंगे 7, और यहाँ पर एक और है 8। तो गाइस मैंने 8 जनों को यहाँ पे खा लिया, और यहाँ पर एक और अंकल है, इसको भी खा लेते। अंकल थोड़े से कड़वे, पर कोई बात नहीं, हमने 9 इंसान खा लिए। अरे कैसे 10वां ढूंढना पड़ेगा, 10वां ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, 10वां इंसान कहाँ पर है? तो कैसे, एक सेकंड, मुझे उस बोट पर एक इंसान दिख रहा है, चलो उसके पास चलते फटाफट से, मुझे उसको खाना पड़ेगा, आ रहा हूँ मैं इंसान। आखिरकार हमें अपना 10वां इंसान मिल चुका है, इसको खाने के बाद मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। रुक जाओ, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। सॉरी अंकल, मुझे आपको खाना ही पड़ेगा, मुझे अपग्रेड होना है। अरे रुक जाओ, मेरे बीवी बच्चे मेरा घर में इंतजार कर रहे हैं, मुझे कद खाना। अरे अंकल इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मुझे आपको खाना पड़ेगा। रुक जाओ मुझे बताए, तुमको शार्क चाहिए ना, तुमको अपग्रेड होना, तुमको शार्क चाहिए? हाँ मुझे शार्क तो चाहिए। मैं एक शार्क मॉन्स्टर को जानता हूँ, वो शार्क मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, अगर तुम उसको खा लोगे तो तुम बहुत ही जल्दी अपग्रेड होगे। क्या तुम उसको खाना चाहते हो? शार्क मॉन्स्टर? हाँ मैं उसको खाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलूंगा, पर तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे ले चलो। ओके अंकल, चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। क्या वो शार्क मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है? हाँ वो बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम उसको खा लोगे तो तुम एक खतरनाक सी शार्क बन जाओगे। चलो चलो कैसर, अभी अंकल हमें लेके जाने वाले शार्क मॉन्स्टर के पास, और ये बोल रहे अगर मैं उनको खा लूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो सकता हूँ। चलो कैसर फटाफट से चलते, आज तुम अपग्रेड होने वाले एक शार्क मॉन्स्टर को खा के। अरे अंकल और कितनी देर लगेगी पहुँचने में? अरे भैया बस पहुँचने वाले, टेंशन मत लो, ये लो हम आ गए। चलो चलो आइलैंड पे लो। अरे नहीं नहीं, वो आइलैंड बहुत खतरनाक है, मैं वहाँ पर नहीं जाता, तुम चले जाओ। पर वहाँ पर शार्क मॉन्स्टर तो मिलेगा ना? अरे हाँ पक्का मिलेगा, जाओ जाओ। तो गाइसर अभी हम जाने वाले शार्क मॉन्स्टर पे, वो अंकल अभी बोट लेके जा चुके हैं, उनको यहाँ पे आने में बहुत ही डर लग रहा था, पर मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अरे गाइसर ये क्या, ये कौन से जानवर है? आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी अजीब अजीब तरह की शार्क है, और ये शार्क मॉन्स्टर नहीं है, मुझे लगता है ये उसके सिपाही है। शार्क मॉन्स्टर पता नहीं कहाँ पर है। मेरे सिपाहियों, मेरे आइलैंड की रक्षा करो।
तो कैसर मुझे लगता है मुझे इन सारे के सारे सिपाहियों को मारना पड़ेगा तभी मैं शार्क मॉन्स्टर के पास पहुंच पाऊंगा। चलो फटाफट चलते। और आपको क्या लगता है मैं इनको हाथों से मारूंगा? नहीं, मेरे पास एक खतरनाक सा वेपन है जिससे मैं इन सबको मारने वाला हूँ। तो कैसर वो वेपन तो काम नहीं किया पर ये जरूर काम करेगा। हमारे पास एक खतरनाक सी आरपीजी जिसको हम सबको मारेंगे। ये लो। एक भी मॉन्स्टर को हम नहीं छोड़ने वाले, सबके सब मरेंगे। ये अजीब से दिखने वाले शार्क मॉन्स्टर ये तुम्हारे लिए, ये तेरे लिए, ये खतरनाक लाल शार्क को मैं खत्म करने वाला हूँ। ये लो, सबके सब मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस लगता है मैंने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। और ये रहा वो खतरनाक सा शार्क मॉन्स्टर। तो गाइस मैंने सारे के सारे शार्क सिपाहियों को मार दिया है। और ये रहा वो शार्क मॉन्स्टर। शार्क मॉन्स्टर क्या ले, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? आज तक कोई मेरे इधर नहीं आया। अब मैं इतना भी खास नहीं। तो गाइस अब मुझे खा रहा है शार्क मॉन्स्टर को। क्या तुम तैयार हो? नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। अरे ऐसे कैसे? तो कैसर अभी आप देख सकते हो वो शार्क मॉन्स्टर को खाने के बाद क्या ही एक्सपेरिमेंट हो गया, क्या ही रिएक्शन हो रहा, मुझे समझ नहीं रहा मेरा क्या होने वाला। मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना? ये क्या, मैं तो एक खतरनाक सी शार्क बन चुका हूँ। अरे कैसर ये शार्क तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हो मैं पानी के ऊपर भागे जा रहा हूँ। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पिछली वाली शार्क के पास इतनी खतरनाक पावर नहीं थी पर इसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। बाकी सारी शार्क पानी में तैरती है पर मैं पानी के ऊपर दौड़ता हूँ। ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर गाइजर अभी भी हम दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क नहीं बन पाए हैं। और जब तक हम दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क नहीं बन जाते हम रुकने नहीं वाले। तो चलो फटाफट से चलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क बनते हैं। तो गाइजर अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे हम बनने वाले दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क। अरे ये क्या, यहाँ पर तो और लोग भी है, लगता है हमारा कॉम्पिटिशन होने वाला है। तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। ये चैलेंज होने वाला है दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क के लिए। तुम्हें मिलेगी 5-5 शार्क खाने के लिए। अगर तुम ये चैलेंज जीतते हो तो तुम वो सारी शार्क खाके अपग्रेड हो सकते हो दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क में। और यहाँ पर हमारे पास 3-3 शार्क है। तुम तीनों शार्कों में से जो भी ये चैलेंज कंप्लीट करेगा उसको मिलने वाली है 5-5 शार्क। तो कैसर यहाँ पे मेरे अलावा 2 शार्क और है जिनके साथ मेरा कॉम्पिटिशन होने वाला है। ओए, 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 सबसे पहले तो मैं चाहूंगा मुझे वो 5 शार्क खानी है जिससे मैं अपग्रेड हो सकूं। चलो तुम्हारा चैलेंज शुरू करते हैं। 3-2-1 गो। तो कैसर अभी आप देख सो ये सबसे पहले जो शार्क है वो जा रही है इस चैलेंज को कंप्लीट करने के। तो जो भी ये चैलेंज कंप्लीट करेगा उसको पूरी की पूरी 5 शार्क मिलने वाली है खाने के लिए। और उसको खाते ही हम अपग्रेड होने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क में। तो देखते हैं कौन अपग्रेड होगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो इस चैलेंज को जीतने के लिए तो फटाफट से लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन शार्क, तभी आपका गुड लक मुझे मिलेगा और मैं ये जीत पाऊंगा। और कैसर अभी आप देख सो ये शार्क कितनी ज्यादा धीरे गाड़ी चला रहा है अपनी। मैं तो ऐसे फुल स्पीड में जाऊंगा और फुल स्पीड में चैलेंज को कंप्लीट करूंगा। और ये बर्गर्स को उड़ाते उड़ाते और ये बच गया। अब ये भिड़ता तो पक्का टूट जाता और इसकी गाड़ी यहाँ पर उल्टी हो चुकी है। क्या इसकी गाड़ी सीधी होगी? अरे ये क्या है, तो फिर से सीधी हो गई। मैंने सोचा यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो चुका है पर इसकी गाड़ी यहाँ पर फिर से सीधी हो चुकी है। और ये क्या, अपनी गाड़ी को इधर आग से लेके जा रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। और इसकी गाड़ी कितनी ज्यादा धीरे चल रही है, मुझे लगता है इसकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्लो है। अरे ये तो बहुत ही गर्म है। अरे बचाओ। और गाइस ये क्या, इसकी तो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। ये चैलेंज बच्चों के लिए नहीं है, ये चैलेंज है मेरे लिए। मैं जाऊंगा और इस चैलेंज को कंप्लीट करूंगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो तो ये हल्क शार्क जाने वाला है इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पिछला शार्क तो यार बहुत ही ज्यादा कमजोर था पर ये सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो देखते हैं क्या ये चैलेंज कंप्लीट करेगा या फिर इसकी भी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा। मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी ब्लास्ट नहीं हो सकती। तो कैसर अभी देखते हैं ये हल्क निकल चुका है और इसकी गाड़ी वो मेरे को लगा था सीधा क्रैश होने वाली है। और ये सारी लड़कियां डांस कर रही है जो उनको सबको गिराते हुए जा रहा है आगे। हट जाओ, मैं जीतने वाला हूँ, हट जाओ। तो कैसर अभी आप देखते हैं कितनी ज्यादा स्पीड में जा रहा है और इसकी गाड़ी तो हवा में उड़ने लग गई है और ये आग से भी बच चुका है। तो कैसर ये आग से तो बच के देखते हैं और ये फुटबॉलों को मारते मारते ये चैलेंज तो सही में लगता है बहुत ही ज्यादा बड़ा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कैसर फटाफट से कमेंट में लिख दो हल्क शार्क हार जा, हल्क शार्क हार जा, क्योंकि मुझे लगता है ये कंप्लीट कर सकते हैं चैलेंज को। इसलिए आप सबको अपना बैड लक देना पड़ेगा इस हल्क शार्क को। और ये क्या, ये तो ब्लास्ट हो गया, मेरे बोलते ही ब्लास्ट हो गया, ये तो बहुत ही खतरनाक था। बच्चे अब तुम्हारी बारी, दोनों शार्क ब्लास्ट हो चुकी है, तुम अकेले बचे हो। तो गाइजर अब मैं अकेला शार्क बचाओ, दोनों शार्क हार चुके, अब बारी मेरी आ चुकी है और मैं जाने वाला हूँ और इसमें जीतने भी वाला हूँ। चलो फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो गाइजर चलो फटाफट से चलते, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि लाइक करने से
मुझे गुड लक बढ़ता है तो फटाफट से लाइक कर दो ताकि गुड लक हमारा फुल हो जाए। और अभी हम जाने वाले हैं फुल स्पीड में, चलो चलो चलो, बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को रोकने नहीं वाले। और क्या ही बढ़िया सा जंप मारा है और सीधा हम फुटबॉल के यहाँ पर आ चुके हैं और गाड़ी को हमने कंट्रोल कर लिया है। तो फायर वाले से बच चुका हूँ, फुटबॉल से मैं बच चुका हूँ, अब आगे बारी फायर ट्रक की। हमको इसके अंदर भेड़ना नहीं है क्योंकि हलचल की गाड़ी पूरी की पूरी ब्लास्ट हो चुकी थी, तो हमको किसी भी फायर ट्रक के अंदर गाड़ी को भेड़ना नहीं है और आराम से यहाँ से निकलते हुए जाएंगे। और ये चैलेंज तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हम तो रोड पर आ चुके हैं, अरे ये चैलेंज हमको कहाँ लेके जाने वाला है। तो गाइस अभी हम रोड पर आ चुके, देखते हैं अभी हमें क्या करना है। उन 5 शार्क को कमाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि गाइस अभी हमारे पास लोकेशन आ चुकी है। मुझे नहीं पता था ये रैम चैलेंज इतना ज्यादा बड़ा है, ये चैलेंज सही में बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा बड़ा है। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, इस पूरे चैलेंज को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा है। और ये क्या, सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से गाड़ी आ रही है, अरे नहीं नहीं, मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है, अरे मुझे इन गाड़ियों से बचाना पड़ेगा। अरे गाइस थोड़ी ड्राइविंग स्किल दिखानी पड़ेगी क्योंकि मुझे इन गाड़ियों से बचाना है, मुझे इनके अंदर टकराना नहीं है। अगर मैं टकराया तो हमारी गाड़ी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है और अगर ब्लास्ट हुई तो हम हार जाएंगे और वो 5 शार्क हमें नहीं मिलेगी, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक ये चैलेंज चलेगा। और ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी तो बिड़ती जा रही है, मैं जितना सोच रहा हूँ कि नहीं बिड़ेगी उतनी ज्यादा बिड़ रही है। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बस ये चैलेंज कंप्लीट होते ही हमें 5 शार्क मिलेगी, फिर हम दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क बनने वाले हैं। चलो चलो फटाफट से चलते हैं, सामने से बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है पर सबसे बचते बचाते हम इस चैलेंज को कंप्लीट करके रहेंगे। तो गाइस गाड़ी को भेड़ते भेड़ते हमारी गाड़ी में आग लग चुकी है और लगता है मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है क्योंकि गाइस ये गाड़ी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, इसमें आग लग चुकी है। हट जाओ सामने से, मुझे लगता है सामने फिनिशिंग लाइन आ गई, अरे फिनिशिंग लाइन, और ये मैं जीत गया। तो गाइस चैलेंज हमने कंप्लीट कर दिया और हमें अपनी मिल चुकी 5 शार्क, फटाफट से इनको खाते हैं। और गाइस अभी आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ, ये तो बहुत ही खतरनाक है, लगता है मैं समुद्र का राजा बन चुका हूँ। और गाइस आप देख सकते हो मुझसे मिलने सारे के सारे मेरे सिपाही आ चुके हैं, आज से मैं उस समुद्र का राजा और ये मेरे सारे के सारे सेनापति। तो गाइस जो हमारा सपना था दुनिया का सबसे खतरनाक शार्क बनने का, वो हमारा कंप्लीट हो गया सिर्फ आपकी वजह से। तो गाइस आज की वीडियो से भी इतना, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर जॉइन फॉलो करना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।